भैया तुम्हारे सबके सहमत से, सबके अपने घर परिवार से तुमते सबसे सहमत है, खूब कस कर खुश हैं, आज पेट भरकर बहादुर हम खाना खाएंगे सबको। मियाँ बीबी, पहले तो तंबौर कोतवाल साहब को संपर्क किए लेकिन उनका फोन नहीं उठा, फिर लहरपुर कोतवाल साहब को फोन किया गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं सिपाही को भेज रहा हूँ। कहानी हम इस खबर में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर वो बच्चा भी मौजूद है और जिनको मिला है वो लोग भी मौजूद हैं। एक लापता बच्चा बेटा का जो रहने वाला है गुमशुदा हो गया था, परिवार ने पुलिस में कंप्लेन की थी, पुलिस ने गुमशुदगी भी दर्ज करने की बात कही थी, लेकिन वो बच्चा लहरपुर नगर के जो बिस्वत रहा, ये बड़ा सा गेट है, मैं चाहूँगा दिखा दें सहयोगी से कि ये जो गेट है यहाँ पर वो बच्चा मिला है और किसको मिला है, ये पूरी कहानी हम इस खबर में आपको दिखाएंगे, यहाँ पर वो बच्चा भी मौजूद है और जिनको मिला है वो लोग भी मौजूद हैं, क्या पूरी कहानी है। यहाँ पर जो भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पूछते हैं क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत कुमार वर्मा है। क्या है बच्चा, कैसे क्या मिला? कि मैं इसी जगह पर अभी खड़ा था एक घंटा पहले करीब करीब, भाई 9:45 बजे ये बच्चा आया मेरे पास, मैं ही खड़ा था, बाइक पे बैठा था, किसी से बात कर रहा था, तो इसने आया मेरे पास, हाथ दिखाया अपना, ये इसका ये वाला हाथ है, तो मैं समझ गया कि ये कहीं से, तो मैंने इसका पढ़ा नाम तो उस पर बेटा लिखा था, तो मैंने समझ लिया कि ये गायब है। फिर मैंने इससे पूछा कि कुछ खाओगे, तो बोला, इशारा किया, फिर गए चाय वाय पिलवाए, बंद खिलाए, फिर बाद में लहरपुर कोतवाल साहब से, पहले तो तंबौर कोतवाल साहब को संपर्क किए लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठा, फिर लहरपुर कोतवाल साहब को फ़ोन किया गया, उन्होंने कहा ठीक है मैं सिपाही को भेज रहा हूँ और कोतवाल साहब से बात कर रहा हूँ। उसके बाद में तंबौर कोतवाल साहब से मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा इस लड़के का मुकदमा लिखा जा रहा है, लेकिन यदि मिल गया है तो मैं मुकदमा रोके दे रहा हूँ, उनके घर वालों से संपर्क कर रहा हूँ, घर वालों को भेज रहा हूँ। जैसा कि हमको जानकारी है कि बच्चा बोल भी नहीं पाता है। हाँ, बच्चा है गूंगा, इसलिए इसके हाथ पर लिखा था, जो उसके सहारे से ही जो है इस बच्चे का क्या लिखा है हाथ पे लिखा, इसके हाथ पे लिखा था असरफी लाल सनाप जो है रंजीत और बेहटा, ये इतना लिखा हुआ है, तो मैं समझ गया कि ये गुमशुदा है और गायब है, ये नहीं पता चला कब से, लेकिन जब बाद में पुलिस और उनके पिताजी आए हुए हैं अभी प्रेजेंट टाइम में जो मतलब इस समय, तो इनसे पता किया तो मालूम हुआ कि कल कैसे घर वालों से इनके कैसे संपर्क हुआ। देखिए, हमने तो कोतवाल साहब को फ़ोन किया था, कोतवाल साहब ने किसी और को नंबर दिया, तो उससे जो है इन लोगों से बात हुई, और एक ये लड़का है ये अमन है, इसने भी फ़ोन किया तंबौर, हमसे पूछा कि यहाँ क्या हो रहा, तुमने बताया, इसने भी तंबौर में किसी को फ़ोन किया, फिर उन्होंने बेटा फ़ोन किया, उन्होंने फिर उस भैया को एक और हैं उनको फ़ोन किया रस्तोगी जी को, तो इस तरीके से पता चला। अच्छा, आपके साथ क्या नाम आपका है? अमन नाम है मेरा। अमन, आपका कैसे जानकारी आपको? मेरी जानकारी ये हुई कि ये लोग खड़े हुए थे, ये फ़ोन पे किसी से बात कर रहे थे कि ये लड़का फला फला जगह का है और इसका फला फला नाम है, तो हमने फिर पूछा भाई कहाँ, तो हमने इनकी फ़ोटो खींची और वीडियो बनाई, फिर हमने इनकी फ़ोटो वीडियो तंबौर में अपने जानने वाले जो भी लोग थे उन लोगों को वीडियो अपनी इनको इनकी व्हाट्सअप पर भेजी, फिर उसमें से एक का मैसेज आया, तो उसने बोला कि हाँ ये फला फला जगह का बेटा का रहने वाला है और इसके इसकी गुमशुदा रिपोर्ट दर्ज है, और उसके बाद उसने हमको नंबर दिया इनके परिवार का, तो हमने बात की तो एक भाई का नंबर मिला, तो उससे हमने जब बात की तो वो बोला कि ये मेरे गांव का है और इसका नाम भी बताया था, फिर इसकी फ़ोटो भी भेजी। क्या नाम था बच्चे का? इसका नाम था रंजीत था और इसके बाप का नाम था, लड़का जो लापता हुआ था उसके परिजनों को सूचना दी गई और उसके पिता भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे क्या स्थिति और कैसे और ये कब लापता हुआ था, कब लापता हो गया था ये? ये भैया कल वह 3 बजे से लापता था। फिर क्या उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद पूरी रात हम इसको ढूंढे, ना भैया पता लाग, सारा 200 ढूंढे ना पता लाग, अत्यखन आप लोगन के सहमत से हमारा बच्चा मिल गया। तंबौर थाने पर गए थे जब बच्चा लापता हुआ था, वहाँ पर क्या हुआ था? वहाँ पर इनकी हम एप्लीकेशन दर्ज कराए थे, पुलिस ने ढूंढने की कोशिश की। हाँ, कि हमारे घर पर आए थे पुलिस, तो फिर पुलिस हमका बुलाए, तो फिर घर हम थाने पर का गए, तो एक एप्लीकेशन दर्ज की, वो कहला मुकदमा डालो, तो हम कहला सर हम मुकदमा से नहीं लड़ेंगे, हमारा बच्चा चाहिए हमका। हाँ, और क्या नाम है बच्चे का? रंजीत कुमार। कितनी उम्र होगी इसकी? इसकी 11-12 साल होगी। जैसा बता रहे हैं लोग, ये बोल नहीं पा रहा है, क्या बचपन से ऐसा? हाँ, बचपन से सर। अच्छा, बचपन से ना बोल पाता है ना सुन पाता है। कैसे आपको जानकारी हुई कि यहाँ पर लहरपुर में बच्चा है? ये भैया हमका एक रस्तोगी ने साहब ने फोन होना आया था कोई। हाँ, आया था। तो ये भैया हमका बताए थे, तो हम कहा भैया चलो ये अपनी मोटरसाइकिल से हम कल कर आए थे, हम चले आए। अब क्या खुश हैं आप? हम
भैया तुम्हारे सबका सहमत है, सबके अपने घर परिवार से तुमसे सबसे सहमत है, खूब कस कर खुश हैं, आज पेट भरकर बहादुर हम खाना खाएंगे सबको। मियाँ बीबी बहुत भावुक हो गए। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो बच्चा एक दिन पहले लापता हुआ था आज वो मिल गया है। इनकी आँखों में आंसू देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे के खोने का दर्द क्या है, और जो मिल गया है तो ये कोई गम के आंसू नहीं है, खुशी के आंसू हैं। फिलहाल लहरपुर में किसान नेता अजीत वर्मा जो थे उनको यह बच्चा लापता गेट पर मिला था। इनके द्वारा पुलिस से संपर्क किया गया और उसके बाद तंबौर थाने से संपर्क किया गया। हालांकि तंबौर पुलिस ने भी गुमशुदगी लिखने की बात कही थी और उसकी तलाश भी कर रहे थे, लेकिन आज अजीत वर्मा जो किसान नेता है उनको यह बच्चा मिल गया और परिजनों को मिल गया है। उसके बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया, परिजन बेहद खुश हैं। अब ये परिजन बच्चे को लेकर अपने घर जा रहे हैं। कैमरामैन शाहरुख और सहयोगी निर्मल पांडे के साथ रवि शाक, लहरपुर पोस्ट।